फ्रेंड्स, मैंने चाय पीने की जगह मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूँ सुमो, जेएनके से बिलोंग करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज का करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहले मुझे ना बहुत दिक्कत होती थी आई कॉन्टेक्ट करने में, कैमरे को फेस करना। तो अभी मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कहते थे कमेंट में कि मैम आप सीधा कैमरे को देखा करें कि हमें ऐसा लगे कि आप हमारे साथ बातें कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे को ये गाइड किया। तो अभी मैं फ़िलहाल देखती तो हूँ, कभी कभी आगे पीछे हो जाती हूँ, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। जैसे मैं पक्की ट्रेनर हो जाऊँगी ना, तो उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो शाम के बजे हैं, अभी 7:30 होने वाले हैं, जस्ट 10 मिनट रह गए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, आज मैं ना तो कंघी की है, कुछ नहीं किया है, बस ऐसे ही। तो थोड़ा सा मेकअप किया है बस, वो तो मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि बात दरअसल ये है कि जो मैरिड होते हैं ना, उनको मेकअप करके रखना पड़ता है ना। नहीं तो कोई हमारे घर में गेस्ट आ जाएगा तो हमें ऐसी हालत में देखेगा, भूत बने हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ जाती है मम्मा से। तो चलिए फटाफट, अभी देखिए मेरी चाय जो है बन गई है। चाय पी के मैं आज करूँगी अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो आज ब्लॉग में आपको नया देखने को मिलेगा। तो नया देखने को क्या है, चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप जो मेरी हालत देख रहे हैं, आपको लगता है कि मैं ऐसे ही फ्री बैठी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फ्री नहीं बैठी थी, मैं अभी घास काट के आई हूँ। तो मेरी जो हालत है ना, देखिए पसीना निकल रहा है मुझे। तो मैंने मेकअप घास काटने से पहले किया था, क्योंकि हमें खेत में जाना पड़ता है ना, तो फिर अगर कोई मेरे आने से पहले कोई घर पे मेहमान आ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं बस यही करती हूँ डेली, जब भी जाती हूँ ना घास काटने तो मेकअप कर लेती हूँ। यही मेरी एक सीक्रेट बात है जो मैं आपको बता दी। तो बस मेरी चाय अभी बन गई है फ्रेंड्स, तो मैं फटाफट इसको दूंगी पहले सबको, मम्मा पापा को दूंगी और खुद पीऊँगी थोड़ी सी। पीती तो नहीं हूँ पर थोड़ी सी पीऊँगी, थकान हो जाती है ना। तो चलिए, आज मैंने कुछ नया ब्लॉग है आप लोगों के लिए, जो कि मेरी खुद की मेहनत है। तो मुझे कभी आया नहीं था वो काम करना, लेकिन मैंने वो भी कर दिखाया है। तो देखते हैं कैसी बनी है, आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कैसी बना रखी है। तो पहले देखने के लिए पूरी वीडियो फुल वॉच करना, नहीं तो वीडियो मिस हो जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने चाय पीने की जगह मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली है, क्योंकि मेरे को थोड़ी गैस हो रखी थी। बर्गर खाया था मैंने पहले और वो मेरे को थोड़ा सूट नहीं कर रहा था, तो मैंने ना चाय की जगह मैंने पी है कोल्ड ड्रिंक। और देखिए अभी जो है मौसम, मतलब सांझ का टाइम हो गया है, अंधेरा होने वाला है जस्ट और कोई आधा घंटे के बाद, क्योंकि 7:30-8 बजे का टाइम होने वाला है। तो आज मैंने जो दुपट्टा है, मैंने ड्रेस मैंने पहनी, आप देख सकते हैं मैंने मैक्सी पहनी है, और साथ में मैंने आज लिया है दुपट्टा जो कि किसी को भी पसंद नहीं है, ये वाला दुपट्टा सिर्फ मेरे को पसंद है। पता नहीं कैसा लगता है, प्लीज़ मेरे को बताया करें। तो जो मेन टॉपिक है ब्लॉग का, तो चलिए अभी मैं दिखा देती हूँ। ब्लॉग ये नहीं है मेरा, लेकिन मैं आपको ये वाला भी दिखा देती हूँ दृश्य थोड़ा सा। इतने ज़्यादा अनार लगे हैं फ्रेंड्स हमारे घर में, आधे तो हमने खा दिए है, भर भर के लगे हैं। ये देखिए, दिख नहीं रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ज़्यादा लगे हैं। तो आपको पता है अभी मैंगो जो है वो ख़त्म हो गए, फिनिश हो गए हैं पूरे के पूरे। तो पहले मेरे मैंगो के भी ब्लॉग आए थे, तो हो सांस फूल जाती है जब भी मैं बात करती हूँ ना, मेरी सांस फूल जाती है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो देखिए, आज हंसना मत, सबसे पहले आप हंसिएगा मत। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है ना, प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि अच्छी नहीं बनी है, तो मैं फिर से ट्राई कर लूँगी, कोई नए वाली बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पोनी जूड़ा कर रखा है, पता नहीं मेरे को जूड़ा अच्छा लगता है या नहीं,
पर चलिए फिर मैं आपको ना दिखा देती हूँ। तो क्या दिखाने वाली हूँ आपको मैं, तो ये देखिए मैंने ना चूल्हा बनाया है, लेकिन मेरे को ये बोल रहे हैं आपने इस तरफ ऐसे ऐसे क्यों किया। तो जब चपाती बनाते हैं ना, तो जब उसको सेकना सेकनी पड़ती है ना चपाती, तो बस यहाँ पे रख के ना उसको मतलब अच्छे से हम हिला सकते हैं और फूल जाता है यहाँ पे रख के। तो ये मैंने इसलिए बनाया है, आगे अगर मैं सीधी बनाती ये वाली चूल्हा, मैंने अगर सीधी बनाती ना मिट्टी की, तो टाइट हो जाती लकड़ी लगाने के लिए, इसलिए मैंने आगे से, अभी मेरा ये कंप्लीट नहीं है लेकिन मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने नीचे जो है फट्टी रखी है, आपको पता है जो इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी जब पूरी बन जाएगी तब मैं वो फुल वीडियो डालूंगी, लेकिन अभी मैं जो थोड़ी डाल रही हूँ आपको बता रही हूँ कि आज मैंने क्या काम किया है, इसलिए मैं ब्लॉग और दूसरा नहीं डाल सकी हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए मिट्टी का चूल्हा कितना प्यारा बना है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पास से देखोगे ना बहुत ही प्यारा बना। ये देखिए एकदम सही बन गया ये, तो मुझे आता नहीं था इतना अच्छा बनाना, लेकिन मैंने बना दिया है। तो अभी इसका बहुत डेकोरेट करना है मैंने इसको, यहाँ पे मैं इसको थोड़े थोड़े लगाऊंगी, 3 कोल लगाऊंगी, और इसको थोड़ा सा दूसरी मिट्टी बनाऊंगी ना उसके साथ, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी फिर अच्छी लगेगी ये। तो इसके साइड पे भी, ये देखिए साइड पे भी मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे करूंगी। तो फ्रेंड्स बस यही दिखाना था मुझे आज इस ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग अभी हो गया है बहुत ज़्यादा लंबा, तो मैं इस ब्लॉग को बड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूँगी। तो मौसम अभी साफ़ है, बारिश का मौसम नहीं है, बारिश आज दोपहर को आने वाली थी लेकिन आई नहीं। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग करते हैं एंड यहीं पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।